अप टू डेट है, एकदम मुफीद है, केंद्र के मानकों के अनुरूप है। तो जब छात्र और शिक्षक का रेशियो मानक के अनुरूप है तो स्वाभाविक है, फिर नई भर्ती का मसला कहां से आएगा? उसको अगर आप देखेंगे, समझेंगे, मानेंगे तो नई भर्ती की मांग सरकार को औचित्यपूर्ण नहीं लगती, ये बात स्थापित है। अब इसमें हुआ क्या? आखिर जो लाखों नौजवान जो टीईटी की परीक्षा दिए थे, 25-26 लाख नौजवान बैठा था, आपको याद ही होगा, वो लोग क्यों मांग कर रहे थे? अभी कुछ समय पिछले साल शायद या दो साल हुए होंगे, सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा मंत्रालय ने लगाया था जिसमें कहा था 51,000 से ज्यादा भर्तियां खाली, यहाँ ही खाली अध्यापक, और उसके बाद कुछ लोग रिटायर भी हुए, स्वाभाविक है। और छात्रों का दाखिला भी इस बार रिकॉर्ड स्तर पर हुआ, तो उससे भी और अध्यापकों के लिए जगह बनती। लेकिन इस खेल को समझने के लिए आप जान लीजिए कि ये चमत्कार हुआ कैसे। ये चमत्कार ऐसे हुआ कि बाबूओं ने जो जवाब तैयार किया विधानसभा के लिए, उसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों जोड़ दिए, जय श्री राम, संख्या पूरी और पूरी से भी ज्यादा हो जाए। अब विधानसभा में घोषित हो गया उस जवाब के मुताबिक कि बेसिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जो है उसमें कोई भी सहायक अध्यापक से इतर नहीं है, सब सहायक अध्यापक। अब लाख टक्के का सवाल ये शिक्षा मित्र पूछ रहे हैं कि भाई हम कहाँ खड़े हैं, हमारा नंबर तो इसमें आपने जोड़ दिया, लेकिन हमको स्टाइपेंड मिलता है 11 महीने का, और जिस महीने में हम चर्चा कर रहे हैं जून के महीने में, शिक्षा मित्र को जून के महीने का वेतन नहीं मिलता। वो पूछ रहे हैं जून में हमारे परिवार को भूख नहीं लगती, हमारे बच्चों को रोटी नहीं चाहिए जून महीने, लेकिन उनको 11 महीने का स्टाइपेंड मिलता है। और अनुदेशक भी यही पूछ रहे हैं कि 7,000 रुपया हमको मिल रहा है और हमारा नाम आपने दर्ज कर दिया सहायक अध्यापक में। अगर नाम दर्ज हुआ है वो करे तो हमको फिर वैसी सुविधा और वैसी सेवा शर्तें दीजिए। ये बड़ा पेंच है। इस पेंच से शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के भावनाओं का जो वो किया गया है, आप कह लीजिए भावनाओं को जो आहत किया गया है वो तो है ही, उन लाखों नौजवानों के लिए भी संकटपूर्ण परिस्थिति पैदा हो गई जो ये मानकर चल रहे थे कि आज बड़ी भर्ती आएगी बेसिक शिक्षा तैयार हो रही है उसके से। और हम सब, लेकिन मसला ये है 7,000 रुपया महीना में अपने घर परिवार को पाल के अच्छी शिक्षा, शारीरिक शिक्षा कैसे दे सकता है बिशु यादव? शारीरिक शिक्षा अरे उससे इतने में चल ले पैदल उतने बहुत है, इतना पोषित रहे। जी मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, अधूरा नहीं सहमत, पूरी तरह से सहमत हूँ। ये अभी हमारे आरएलडी के अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमारी पहली कैबिनेट में ही आते तो हम निर्णय कर देते, तो मैं जरा इनसे जानना चाहूंगा कि ये निर्णय क्या कर देते, तो अगर फोरकास्ट बता दे तो हो सकता है हम लोग भी इन्हीं की दिशा पे चलते हैं। मैं बोलना चाहूंगा अगर पहली कैबिनेट में हम क्या करते, हम पहली कैबिनेट में इनका मानदेय बढ़ा देते और इनको इनको भी जानवर न समझ करके, इनको भी मनरेगा मजदूर न समझ करके, इनको हम इनको शिक्षक समझ करके इनका सम्मान करते और इन्हें हम शिक्षक तो हमने समझा है रविंद्र जी, शिक्षक तो हमने समझा है, आपने बिहारी मजदूर से भी नीचे रख लिया था, आपने बिहारी मजदूर को भी ये शब्द शिक्षकों के लिए हम तो उपयोग भी नहीं कर सकते जो आप उपयोग कर रहे हैं। नहीं हो सकता शिक्षा, बिल्कुल आप बताइए मनरेगा की मतलब हमारे समाज में जैसे कविता की मजदूर गोविंद मनरेगा मजदूर की एक दिन की मजदूरी क्या है? आप मत करिए, सर सुन लीजिए, मजदूरी से तुलना मत करिए, बिल्कुल मत करिए। कविता जी का दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला गो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, बलि गुरु
आदरणीय मिर्जी साहब वही गुरु आज आत्महत्या कर रहा है, वही गुरु आज सड़कों पे है, वही गुरु आज लाठी खा रहा है। अनुदेश की व्यवस्था और शिक्षा मित्रों की मानदेय की व्यवस्था टेम्परेरी व्यवस्था है, टेम्परेरी व्यवस्था आप टेम्परेरी नहीं है, लेकिन जितने दिन आपने काम किया है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आती रहती है बीच में, तो उसको लेकर जो प्रयास कर रही है और आप क्या चाहते हैं और इसी तरह से इनकी समस्या आप आज 10,000 का 15,000 करिए और समस्या का समाधान ही ना हो पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की समस्या नहीं जो भारतीय जनता पार्टी दे रहे हैं राष्ट्र को आदरणीय मोदी साहब के साथ साथ उनके परिवार को भी अच्छी तरह से रोजी रोटी मिल सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रयासरत है और कुछ न कुछ मसले इस मसले का हल जरूर निकलेगा। कोई ऐसा मसला नहीं होगा दुनिया में जिसका कोई हल निकले। पांच साल निकल गए भारतीय जनता पार्टी के, पिछले पांच साल निकल गए भारतीय जनता पार्टी के, आपने क्या और ये समस्या नहीं कर जो बनाई है की रोटी आज दो दिन है की बात करें तो समस्या बनाई है रोटी नहीं सरकार की है। पिछले पांच साल जाते आप इतनी अच्छी समस्या छोड़ के चले गए जो नहीं हमारे समस्याओं का हल किया था और अभी आप अपना कोई एक ऐसा बिंदु मुझे नहीं दे पाए जो आप पहली कैबिनेट में करने वाले थे कि हाँ वो कैबिनेट में करते आपने क्यों वही काम मांग लिया 10 का 15 कर देते 10 का 12 कर देते। आप उनको मनरेगा मजदूरों की तरफ ले जाना चाहते हैं जबकि हम गुरु का दर्जा गुरु की तरह से ही आगे चलना चाहते हैं, गुरुओं का सम्मान करें, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिस व्यवस्था के तहत कल को फिर यही मसला न खड़ा हो जाए कि शिक्षा मित्र समय बंद करिए। एक बात जो रविंद्र पटेल ने कही ना वो बात बहुत सेलेक्टिव है कि भाई हमने मास कॉम भी किया, हमने वकालत भी की, हमने बीएड भी किया, हम डीटी में भी बैठे, हमने ज्योतिष का भी कोर्स किया, हमने आर्किटेक्चर का भी कोर्स किया। कर सकता है कोई आदमी, पढ़ने की कोई समस्या को है नहीं, ना कोई संवैधानिक रोक है, लेकिन उत्तर प्रदेश और भारत का 99% परिवार ऐसा है जिसमें बच्चा एक कोर्स पढ़ ले, बाप उतना कमा ले, उतना ही बहुत है, समझ लो गंगा नहा ली है, ठीक, ये जान लो। और जिन लोगों को भ्रम हो उनके लिए ताजा आंकड़ा दे देता हूं ताकि जाले साफ कर लो भैया। भारत में इस वक्त प्रति व्यक्ति आय 7,200 के आसपास की है, क्या अनुदेशक उससे भी नीचे है।